और डिजीज के बाद मतलब आप ठीक ठाक हो गए? हाँ बिल्कुल, आई फाइन। उस समय 80 ईस्वी में 2.5 लाख रुपया, 2.75 लाख पापा का खर्चा हुआ था हम में, नाइनटीन फसल एटी बीमारी में। में हाँ 1980 में? नहीं, 80 ईस्वी में, 80 ईस्वी में। उस समय मैं होम्योपैथिक पढ़ाई पढ़ रहा था, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर था मैं। कहाँ पे? यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में है। हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो? हाँ बिहार यूनिवर्सिटी के। हम आई हैव पास द 12th फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट आई एडमिट इन होम्योपैथ। 12वीं करने के बाद मैं होम्योपैथिक में एडमिशन लिया था। पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ा, एक साल पढ़ने के बाद ऐसा बीमारी अटैक कर गया कि फिर दोबारा जाकर के लिए एडमिशन लिया, नहीं कुछ बुझाया, छोड़ दिया मैं। 86 ईस्वी में शादी वादी हुई, 88 में बच्चे पैदा लिए और 93 में पापा गुजर गए। रिटायर होकर के माय फादर बाद ऐसे में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे वो, बिहार गवर्नमेंट जॉब में थे। रिटायर होकर के मर गए। उसके बाद क्या करें, पैसे की कमी आई, पापा थे तब तो चला रहे थे, फिर क्या करें। आए उस समय से 91 से और अभी तक सिक्योरिटी लाइन में ही रह गया मैं। आई एम सिक्योरिटी गार्ड ऑफ हियर बट ही हैज गिवन मी वर्दी ऑफ व्हाट टाइप ऑफ हियर। मैं बिता रहा हूँ, क्या करें। चलो ठीक है, कंपनी की तरफ से है जो भी है, क्या करें, बिता रहे हैं। वेरी मेजरेबल माई लाइफ एंड माई स्टोरी ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। क्या करें, चलो ठीक। बेटियों का शादी हो गया? नहीं, शादी होना है अभी। हाँ होना है, और बीए पार्ट 3 का एग्जाम देगा बड़ा वाला, और फॉर द टाइमिंग जॉब में लगा हुआ। अकेले तो हम परिवार संभाल नहीं सकते थे। मैं कहा आ जा बेटे, कोई बात नहीं, लगवा दिए उसको। अब यही साहब बोल रखे हैं, ये क्या नाम है, ये राणा साहब? राणा साहब नहीं, जो देखो देखते हैं तेरे लड़के के लिए जॉब कहीं ढंग का। देखिए आप लोगों को हिंड नॉलेज में डाल दिए हैं, कहीं हो तो लगवा दीजिए 12,000-15,000 में। और कम से कम 12,000-15,000 इस जमाने में नहीं कमाएगा तो कैसे वह रह सकता है, कैसे खा सकता है और कैसे जी सकता है। उनका भी शादी होने वाला है? शादी उनका भी करेंगे तब तो और जो है सो मेजरेबल हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम 15,000-16,000 नहीं मिलेगा इस जमाने में, तो कम से कम मियां बीवी भी कैसे बिताएगा जिंदगी, वो कैसे बिता सकता है, हाउ कैन स्पेंड हिज लाइफ, कैसे बिता सकता है। कह तो रखे हैं कई आदमी शादी के लिए, लेकिन मैं डिनाई कर दिया कि नहीं है वो अभी, अभी टाइम नहीं है, मतलब अभी टाइम नहीं है, ठीक टाइम नहीं है। बोला कि आपके घर पे मैं देख रखा हूँ, जमीन जायदाद है, अनाज पानी भी आता है वहाँ। मैं कहा अनाज पानी से परिवार थोड़ी चलेगा, पैसे से परिवार चलता है ना। अनाज पानी तो चलो साल भर खा लेगा, लेकिन उसके लिए कपड़े के लिए, उसके फैशन फैशन के लिए दारू दवा, दारू दवा सब। फिर ऐसी है भी। मैं सुनाता नहीं हूँ किसी को, लेकिन चलो यू आर एगर टू हर्ट माई स्पेंट लाइफ, हाउ कैन यू स्पेंट योर लाइफ, सुना दिया हूँ। 78 में मैं हाई स्कूल किया, 80 ईस्वी में मैं इंटर किया। उस समय इंटर कॉलेज में था, 80 ईस्वी में बिहार में 12वीं 11वीं कॉलेज में था, कॉलेज में किया। उसके बाद फिर वही होम्योपैथिक मैन किया, उसके बाद तो बोले ही गए फॉली से, असली बहुत मर ही गए। मैंने होली के रोज हमारा प्राणांत हो चुका था इन हॉस्पिटल, उसी टाइम ऑक्सीजन लगा हुआ था इसमें हमारा हॉस्पिटल में, और समझिए तो प्राण वायु उड़ा ही पड़ा था। बाई फोर्सली बाय डिंट ऑफ दैट ऑक्सीजन मैं फिर पैदा लिया इस दुनिया में, नहीं तो हॉस्पिटल नहीं जाते तो मैं परमधाम सुरलोक ऊपर पहुंचा हुआ था, लेकिन चलो बाबा की कृपा हम पहुंच लिए, बिता रहे हैं क्या करें।
इतना दिव्यस्त फैमिली था हमारा, मत कहिए। पापा हेडमास्टर, भाई मैनेजर, भाभी टीचर, भतीजा टीचर, भांजा टीचर, थ्रू आउट द होल फैमिली ऑल आर एंगेज इन गवर्नमेंट जॉब, बट आई मीन इसको जॉब मत कहो, इसको दिहाड़ी कहो। लेबर नहीं करता है दिहाड़ी, 200 रुपया रोज देता है, वही दिहाड़ी है मेरी। और क्या कहें, आपका बॉडी साथ नहीं दिया हमें, बॉडी साथ नहीं दिया इसीलिए। एंड आई वाज नॉट लेबोरियस, मेहनती, फिजिकल लेबर करने का सब दिन पढ़ाई लिखाई की, फिजिकल लेबर कभी किया नहीं। 3 साल खेती भी करके देखा मैं, गाँव पे 5-6 बीघा जमीन है हमारे पास, दी बेस्ट धान गेहूं गन्ना उपजने वाला, लेकिन आई वॉज नॉट लेबोरियस, मेहनती नहीं था, नहीं हो पाया। लेबर कॉस्ट दे करके नहीं हमें प्रॉफिट लगा, उसमें छोड़ दिया मैं उसे भी, खेती सब ठेका बटाई दे करके, और चलाया भाग कर, कहा बैठ करके पेट भी तो पालेंगे यहाँ, तो वही आया बैठने का गार्ड की नौकरी में। 91 में ज्वाइन किया, 3 बार मैं रिजाइनेशन लिख लिख करके छोटी सी बिजनेस किया यहाँ दिल्ली में, लेकिन वो भी नहीं चला। क्या बिजनेस? एक बार तो आलू प्याज का किया नजफगढ़ में, छोटी सी, अब उसमें भी मेहनत मांगता है ना, मेहनती थे नहीं हम, नहीं हो पाया। एक बार सेव संतरे का किया नई, यहाँ क्या नाम है, खादर गांव में, सरिता विहार, वहां भी नहीं चला। सेव संतरे सब खा करके कमरे किराया भी देना, बड़ा मुसीबत आ गया। फिर क्या करे, एक आदमी से कर्ज लेकर के तब कमरे किराया दिया और भागा यहाँ से। एक बार हरी साग सब्जी का भी किया, वो ठेला ठेलना पड़ता था दिन भर, 10 डेग 20 डेग 1 किलोमीटर ठेला ठेले, उसके बाद तो बस लगा कि अब गिर जाएंगे धूप में, धूप हम बर्दाश्त करते, बहुत बहुत मुश्किल है, मिजरेबल था मेरे लिए, नहीं हो पाया। और ढंग भी नहीं जाना उसका चलाना भी, बंद करके फिर स्टॉप करके 2000 ईस्वी से अभी तक परमानेंटली हम गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। क्या करें, बिता रहे हैं जिंदगी किसी किसी तरह, बच्चे की घटिया आवाज सुन करके, वाइफ की घटिया आवाज सुन करके बोलती है कि तुम, जब तुमको नहीं था तो क्यों शादी किया बेकार का, जब नहीं। ये तो नॉर्मल है, चलेगा, कोई भी सुनता है, करोड़पति भी सुनता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं काफी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करोड़पति भी सुनता है ऐसा। हम तो बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान है, इसलिए सबका, बड़े छोटे सबका सुन करके बस इस तरफ से सुना और इस तरफ से निकाल देते हैं। क्या करें, क्या टाइम है ड्यूटी आपका, मतलब 8 से 8 है दिन की ड्यूटी है, 8 से 8 बजे तक, लंच ब्रेक 1 घंटा, इसी में तो रहना है, इसी में लंच ब्रेक करना है, तो हाँ 1 घंटा लंच ब्रेक। और वैसे तो हम 24 आवर्स ड्यूटी में है, इसलिए कि देख रेख भी यहाँ का हमें करना है, तो इसलिए 24 आवर्स ड्यूटी, लेकिन देते तो हैं 12 घंटे का ही, 12 घंटे का 7,100 रुपये है। वही तो कहे कि लेबर क्लास से भी कम सैलरी है, लेबर को जो मिलता है उससे भी, यही है कि कंपनी का है, समय पे पैसे दे देते हैं साहब, कपड़ा दूसरे में, धूप में आना जाना नहीं करना पड़ता है ना, धूप में आना जाना नहीं करना पड़ता है। वर्दी जूते हर साल दे देते हैं, चलो, लेकिन आई नॉट लिव हैप्पी फॉर दिस जॉब, खुश नहीं है लेकिन क्या करें, चलो। कभी कभी सोचते रहते हैं फिर, लेकिन कहें नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, चलो बिताओ।